हाँ, अब देखिए, देखो बच्चों की इसका थर्ड पार्ट है वाई बराबर रूट के अंदर है एक्स माइनस एक डॉट एक्स माइनस दो एक्स माइनस तीन डॉट एक्स माइनस चार डॉट एक्स माइनस पांच, पावर में है इसके एक बटा दो। क्या है? पावर में एक बटा दो। तो हम दोनों पक्षों में पावर में एक बटा दो क्यों ले सकते हैं? देखो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, हम कर नहीं पाएंगे इसका। जैसे रूट एक्स है तो हम इसको हम ऐसे ले सकते हैं ना, एक्स की पावर एक बटा दो, एक्स की पावर एक बटा दो। तो एक्स माइनस एक डॉट एक्स माइनस दो एक्स माइनस तीन डॉट एक्स माइनस चार डॉट एक्स माइनस पांच की पावर एक बटा दो है। अब लोग लेंगे, लोग लेके करेंगे, एक बटा दो है वो आगे आ जाएगी। दोनों पक्षों में लोग लेने पर, दोनों पक्षों में लोग लेने पर तो लोग वाई एक बटा दो आगे आ जाएगी। फिर देखो लोग के अंदर प्रॉपर्टीज लग जाएगी हमें कि लोग अगर एम डो टेन है तो लोग एम प्लस लोग एन होता है, और अगर भाग में है लोग एम अपॉन एन हो तो लोग एम माइनस लोग एन होता है। तो देखो एक बटा दो लोग एक्स माइनस एक प्लस में क्या आ जाएगा, लोग एक्स माइनस दो, फिर माइनस लोग एक्स माइनस तीन माइनस लोग एक्स माइनस चार माइनस लोग एक्स माइनस पांच, ये आ जाएगा। ये देखो गुणा वाला प्लस में आ गया, भाग वाला प्रत्येक को क्या ले लिया मैंने, माइनस में ले लिया। अब दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो लोग y का करेंगे क्या आएगा, वन अपॉन y, फिर y का x के सापेक्ष dy अपॉन dx, एक बटा दो। लोग x माइनस एक का करेंगे क्या आएगा, एक बटे x माइनस एक, फिर x माइनस एक का अवकलन, एक का अवकलन जीरो, x का अवकलन एक। इसी प्रकार लोग x माइनस दो का, एक बटा x माइनस दो, x माइनस दो का अवकलन एक, माइनस एक बटे x माइनस तीन, x माइनस तीन का अवकलन एक, माइनस एक बटे x माइनस चार, फिर माइनस एक बटे x माइनस पांच। y है वो गुणा में आ जाएगा dy पॉन dx। अब मैं y का मान रख रहा हूं समीकरण नंबर एक से, ठीक है, या तो ये रख दीजिए या एक ही बात है। डायरेक्ट क्या आएगा, x माइनस एक x माइनस दो x माइनस तीन x माइनस चार डॉट x माइनस पांच पावर में एक बटा दो, बटे में क्या आएगा दो, और एक बटा x माइनस एक एक बटा x माइनस दो माइनस एक बटा x माइनस तीन माइनस एक बटे x माइनस चार एक बटे एक्स माइनस पांच, ये डी वाई पॉन डी एक्स के बराबर आ गए। इस प्रकार करो तो देखो अंडरूट वाला है उसको हम पावर में ले लेते हैं, फिर लोग लेंगे, लोग वाई एक बटा दो घात है वो इसके आगे आ जाएगी। समझ में आ गई बात, लोग एक्स माइनस एक लोग एक्स माइनस दो, फिर माइनस में लोग एक्स माइनस तीन लोग एक्स माइनस चार माइनस लोग एक्स माइनस पांच। दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, वन अपॉन वाई डीवाई अपॉन डी एक्स, लोग का एक बटे एक्स माइनस एक, इसी प्रकार एक्स माइनस दो एक्स माइनस तीन, लोग एक्स का अवकलन होता है ना एक बटा एक्स। अब वाई का मान बटे में वाई है वो गुणा में जाएगा, वाई का मान रख दिया, चाहे ये रखो चाहे ये रखो, फिर इसके गुणा में आ गया, वो किसके बराबर आ गया, डीवाई अपॉन डी एक्स के बराबर। समझ में आया ना?
क्लियर है? ये 12 के उदाहरण नंबर 12 के तीन पार्ट थे, तीनों कंप्लीट हो गए। अब देखिए उदाहरण नंबर 13। तेरा का फर्स्ट है x की पावर y, y की पावर x। उदाहरण नंबर 13, निम्न फलन का dy / dx ज्ञात करो। निम्न फलनों का dy / dx अवकलन करना है y का x के सापेक्ष। जैसे फर्स्ट है x की पावर y और y की पावर x है, x की पावर y, y की पावर x, इनमें देखो दोनों पर पावर हो, LHS लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, RHS में। तो हम बच्चों कैसे करेंगे, दोनों पक्षों में लोग ले लेंगे। क्या ले लेंगे? लोग। तो दोनों पक्षों में लोग लेने पर क्या आ जाएगा, y आगे आ जाएगा, y डॉट log x बराबर x डॉट log y। फिर दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर y डॉट log x है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट फलन y log x, सेकंड फलन x, फर्स्ट फलन log y, सेकंड फलन। तो y को रख, y का अवकलन करो dy / dx, log x को छोड़ दिया, प्लस y को छोड़ दिया log x का 1 / x। अब यहां देखो x का अवकलन x के सापेक्ष 1, log y को छोड़ देंगे, प्लस x को छोड़ दिया log y का 1 / y, y का x के सापेक्ष अवकलन dy / dx। द्वारा देखो दोनों पक्षों में log लिया, y आगे आ गया, log x, x log y। दोनों पक्षों में फिर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, y का x के सापेक्ष dy / dx, log x, प्लस y को छोड़ दिया log x का 1 / x, फिर x का अवकलन 1 log y, फिर x को छोड़ दिया log y का 1 / y, y का x के सापेक्ष dy / dx। अब हमें dy / dx ज्ञात करना है, तो जिस फलन के साथ dy / dx है उसको एक साइड में LHS sin RHS में ले जाओ, और जिस फलन के साथ dy / dx नहीं है उसको हम दूसरी साइड में ले लेंगे। तो देखो dy / dx कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, log x माइनस x / y आएगा ना, माइनस का आ जाएगा, यहां क्या आएगा log y माइनस y / x। अब लघुतम लीजिए dy / dx लघुतम y, y log x माइनस x, यहां x लघुतम लेंगे x log y माइनस y। अब इसके बटे में है वो संख्या गुणा में जाएगी तो संख्या पलट जाएगी, क्या जाएगा dy / dx, y बटे में वो गुणा में आ जाएगा y / x डॉट क्या आएगा x log y माइनस y अपॉन y log x माइनस x, यह आ जाएगा y / x के बराबर। समझ में आ गई बात, इस प्रकार करोगे dy / dx। क्लियर है? अब हमारे पास दूसरा है इसका कि y बराबर ऐसे फलन आते हैं x रूट x रूट x रूट x अनंत पदों तक चलता है, इन्फिनिटी तक। तो इस प्रकार के हम कैसे करते हैं अवकलन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में
दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, परीक्षा में आते हैं ये बोर्ड में, तीन पार्ट में एक पार्ट दे भी सकता है, अगर वो पार्ट में चेंज करता है तो वो एक पार्ट दो नंबर का दे भी सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स प्लस रूट पर कोई जरूर रूट फलन पर फलन अनंत तक चलते हो तो हम फलन को वाई के बराबर मानते हैं, तो एक फलन को छोड़कर बाकी को हम वाई मानेंगे। ध्यान रखोगे जो इन्फिनिटिव तक के पद है उसमें एक फलन को छोड़कर अन्य को हम क्या मान लेंगे, वाई के बराबर। माना वाई बराबर रूट एक्स प्लस वाई, समझ में आ गई बात, एक फलन को छोड़कर निश्चित रूप से y मानेंगे। क्यों मानेंगे y, क्योंकि फलन y में, तो dy / dx ज्ञात करना है, तो एक फलन को छोड़कर आगे को क्या मान लेंगे, y। अब रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों में क्या करेंगे, वर्ग, दोनों पक्षों में वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्यों कर रहे हैं वर्ग, रूट हट जाएगा तो y का वर्ग y स्क्वायर, फिर रूट हट गया x प्लस y। अब दोनों पक्षों में x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर y स्क्वायर पावर आगे आ गई 2y, फिर y का x के सापेक्ष dy / dx, x का अवकलन 1, y का dy / dx, dy / dx है वो, पक्षांतरण कर देंगे LHS साइड में, dy / dx 2y माइनस क्या आएगा 1, क्योंकि ये dy / dx यहां ले गया मैं, बराबर 1। अब गुणा में वो किस में आ जाएगा, implies that 1 बटे में क्या आया 2y माइनस 1। अब यहां y का मान मत रख देना कि ये आप यहां रख रहे हो x प्लस y, क्योंकि इन्फिनिटिव तक पद है, इसको पूरे को हम क्या मान लिया वाई, तो यहां मान नहीं रखोगे, डायरेक्ट आएगा 1 / 2y - 1। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कर लोगे ठीक।